तो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था लेसन नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम, क्लास 10th का लेसन नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रकाश के बारे में बताया, उसके बाद मैंने परावर्तन शुरू किया था। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन किसी वस्तु का किसी स्तर से टकरा कर वापिस मुड़ना परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश का किसी स्तर से टकरा कर वापिस मुड़ जाना। देखो, परावर्तन लगभग सभी वस्तुएं करती है, चाहे वो कोई चिकनी है या कोई खुरदरी है, लेकिन जो चिकनी वस्तुएं होती हैं वो परावर्तन ज्यादा करती है। धातुओं में अगर देखें तो चांदी जो होती है, चांदी वो प्रकाश की सबसे अच्छी परावर्तक होती है। चांदी प्रकाश का सबसे ज्यादा परावर्तन करती है, ठीक है। घर में जो हम दर्पण देखते हैं, दर्पण मतलब मिरर जो देखते हैं, जिसमें हम हर रोज अपने आप को देखते हैं, वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, दर्पण दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होते हैं। समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। मैं दर्पण की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दर्पण में परावर्तन होता है। प्रकाश की जब कोई किरण दर्पण से टकराती है तो वो टकरा कर वापिस मुड़ती है, और दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। अगर हम देखें दर्पण में देखते हैं तो उसमें एक शीशा लगा, शीशा मतलब एक कांच लगा होता है, और हमें लगता है कि कांच से टकरा कर प्रकाश की किरण वापिस मुड़ी है, जबकि सच्चाई ये नहीं होती। उसमें जो कांच लगा है वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा जो कांच लगा होता है दर्पण में, कांच के पीछे एक पेंट सा लगा होता है, पीछे की साइड में यहाँ लाल से रंग का एक पेंट लगा होगा। ये पेंट भी परावर्तन नहीं करता है, ये भी इतना अच्छा परावर्तन नहीं है। इस पेंट से पहले इसके पीछे हम चांदी की कोई पतली सी परत चढ़ा देते हैं यहाँ पे, इसके पीछे यहाँ, और फिर इसके पीछे एक पेंट करते हैं जो लाल सा या कोई भी कलर का जो पेंट तुम्हें दिखाई देता है इसके पीछे। इस पेंट से पहले और कांच के पीछे एक चांदी की परत चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि चांदी सबसे अच्छी परावर्तक है, अभी मैंने बताया। लेकिन चांदी ज्यादा महंगी होने के कारण चांदी की बजाय आजकल एल्यूमिनियम का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि चांदी ज्यादा महंगी है इसलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग हम करते हैं। एल्यूमिनियम भी अच्छी परावर्तक है, चांदी जितनी अच्छी तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छी परावर्तक है। अब साइंस में हम क्या करते हैं, जब हमें दर्पण दिखाना होता है साइंस में, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके पीछे ऐसे तिरछी लाइन लगा देंगे, तो समझ लो ये एक दर्पण बन गया। और ये जो लाइन जिस साइड लगी हुई है, इस साइड समझ लो इस पे पेंट लगा हुआ है, तो एक दर्पण में जो परावर्तक सतह है वो कांच नहीं होता, उसके पीछे जो पेंट के आगे की साइड जो लगी होती है ना, इसकी चांदी की या एल्यूमिनियम की परत, वो परावर्तन का काम करती है। ये है समतल दर्पण, बिल्कुल सीधा जो होता है। गोलीय दर्पण जो होते हैं उनमें परावर्तक सतह या तो अंदर की साइड ऐसे गोलाई में होगा। गोलीय दर्पण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी गोले का एक पार्ट माना जाता है, मतलब किसी गोले का एक हिस्सा। जैसे इसको अगर मैं कंप्लीट करूं ऐसे तो ये पूरा गोलाई में होगा, तो गोलाई से हमने पूरे गोले से ये एक हिस्सा ये काट लिया हमने, तो इसको हमने बोल दिया गोलीय दर्पण। अब दर्पण है तो दर्पण में हमेशा परावर्तन होता है, और परावर्तन तभी होगा जबकि जब इसकी एक साइड पे पेंट होगा। अगर ये ऐसा है तो समझ लो इसकी अंदर वाली सतह परावर्तक सतह है, और अगर ये ऐसे है और ऐसे कर रखा है तो इसकी बाहर वाली सतह परावर्तक होती है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, जो अंदर की साइड चमकीला होता है, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दशा होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण, ठीक, और ये है अवतल दर्पण। याद के लिए वैसे बता देता हूं,
उत्तल मतलब उबरा हुआ, जिसका उबरा हुआ भाग परावर्तक है, याद करने के लिए इससे एक आइडिया सा आ जाएगा, जिसका उबरा हुआ भाग चमकीला है या परावर्तक है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण के बारे में कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार के होते हैं वो आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हम सातवीं क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं और आगे सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में ये चलते रहते हैं। हमने एक समतल दर्पण ले लिया, ये एक लाइन ऐसे खींच दोगे तो ये दर्पण नहीं है। हमेशा दर्पण को बनाने के लिए इसके पीछे ऐसे तिरछी लाइन लगानी पड़ेगी, तभी इसको दर्पण समझा जाएगा। अगर इस दर्पण पे किसी बिंदु पे प्रकाश की कोई किरण आकर टकराती है, ये बिंदु जिस पे प्रकाश की कोई किरण आकर टकराए, आने वाली प्रकाश की किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब मैंने बताया कि दर्पण दो परावर्तक है, इससे टकरा कर प्रकाश उसी दिशा में मुड़ेगा, तो इससे टकरा कर प्रकाश इसी दिशा में मुड़ जाएगा, ये गए। तो प्रकाश की किरण आई आपतन बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद मुड़ गई, टकराने के बाद जो किरण निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे हम, ये इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब इस दर्पण का कुछ नाम रख दो M, N, आपतन बिंदु का कोई नाम रख देंगे हम O। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये साइन, ये जो एरो है इसको दिखाना पड़ता है। अगर हम डायग्राम बनाते हैं इस चैप्टर में कहीं भी और हम प्रकाश की कोई किरण को दिखा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन को शो करना पड़ता है, उसके नंबर मिलते हैं पेपर में। तो ये तीर का निशान ऐसे दिखाएंगे तो ये इस साइड गई है, और ऐसे दिखाएंगे तो ये टकराकर वापस आई है। हमेशा कोण को अभिलंब के साथ वाला लेना है, मतलब ये अभिलंब है तो ये कोण ले लिया और ये कोण लेंगे, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ आई। एंगल ऑफ आई क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपतन कोण होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंस का आई ले लिया। ये होता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ आर। इंग्लिश में परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसलिए रिफ्लेक्शन आर ले लिया। तो ये है आपतन कोण, आपतन कोण ये वाला, और ये है परावर्तन कोण, मतलब एंगल आई आपतन कोण है, एंगल आर परावर्तन कोण है। ठीक है, अब नियम पढ़ते हैं। पहला नियम पढ़ते भी आए होंगे, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल आई एंगल आर के बराबर है हमेशा, हमेशा ही एंगल आई एंगल आर के बराबर है हमेशा। क्यों हमेशा, क्या मतलब? मतलब ये परावर्तक है, मतलब ये जो मिरर है, ये दर्पण है, चाहे ये समतल दर्पण है चाहे गोलीय दर्पण है, दोनों सभी केस में एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, मान लो प्रकाश की कोई किरण इस अभिलंब के बिल्कुल साथ में आ जाए, इसके बिल्कुल सीधी जाए इसके साथ साथ, तो फिर एंगल कितना होगा? और प्रकाश की जो आपतित किरण वो तो आई थी इसके साथ साथ, परावर्तित वाली कहाँ जाएगी? तो परावर्तित वाली भी बिल्कुल इसके साथ साथ ही जाएगी वापिस, जो आई है वो भी ऐसी जाएगी और टकरा कर इस बिंदु पर वापिस आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। हिंदी में आपतन कोण और अपवर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। दूसरा नियम क्या है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है
आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। यह दूसरा नियम है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब क्या है? देखो तीन तल है, एक्सिस जिनको बोलते हैं, एक एक्स, इसको देखो ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स प्लस का हम लेते हैं, इधर एक्स माइनस का होता है, ये वाई एक्सिस है, इधर वाई प्लस का होगा, इधर वाई माइनस का होगा, ठीक है। एक तीसरा तल कौन सा है? तीसरा तल ऐसे होता है इस साइड, कहने का मतलब ऐसे, जैसे एक तल ये होगा, मैं सीधा गया और पिच फिर वापस आया, इसको एक तल बोलते हैं, ये ऐसे आगे पीछे, अब ऐसे गया और फिर वापस आया, इसको दूसरा तल बोलते हैं। अब तीसरा तल कहाँ? तीसरा तल ऊपर, अगर मैं ऊपर उठूँ या नीचे जाऊँ, बिल्कुल नीचे, उसको बोलते हैं तीसरा तल। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये हमेशा एक ही तल में होंगे, या एक्स में है तो एक्स में होंगे, वाई में है तो वाई में होंगे। तो ये दो हैं परावर्तन के नियम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन क्या है। अपवर्तन देखो, क्योंकि परावर्तन दर्पण में होता है इसलिए मैंने दर्पण की बात की, अब हम बात करते हैं अपवर्तन, और जिसमें अपवर्तन होगा हम उसकी बात करेंगे। लेंस, लेंस में अपवर्तन होता है तो हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन का परिभाषा बता रहा हूं, देखो, प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लो यहाँ नीचे पानी है, ये जल है और यहाँ वायु है, तो उसने कहा प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से, यहाँ वायु, वायु एक माध्यम है, जल दूसरा माध्यम है, प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये अपवर्तन की परिभाषा है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से विचलित होने का मतलब क्या है? देखो इसको जाना था सीधा, ऐसे जाना था, लेकिन ये सीधा जाने की बजाय ये तो इस साइड जाएगी, मतलब ये इस अपनी डायरेक्शन से ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या तो इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी। अब किस साइड जाएगी वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पे, कि कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में गई है। तो जो बिंदु, जिस बिंदु पे किरण टकराई है वही इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु आने जिसपे टकराए वो तो आपतन बिंदु ही होता। ये आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, इस आपतन बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये बनाए, मैंने बताया था ये है अभिलंब, अभिलंब हमेशा एंगल अभिलंब के साथ वाला लेना है। देखो ये वाला एंगल लेंगे आपको, अभिलंब के साथ वाला एंगल लेना है, कभी इस तरह के साथ वाला एंगल नहीं लेंगे। तो अभिलंब के साथ वाला, अब मैंने उसने बताया कि प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई जाएगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अब ये ऐसे सीधा जाने की बजाय तो ये ऐसे जाएगी, ये गई, ये इसकी डायरेक्शन है, अब ये एंगल लेंगे आप, ठीक है। अब ये तो हो गया एंगल आई, क्योंकि ये तो आपतन कोण ही है। अब यहाँ जो है ये एंगल आर, ये यहाँ परावर्तन नहीं हुआ इसलिए इस एंगल आर को हम परावर्तन कोण नहीं कहेंगे, यहाँ अपवर्तन हुआ है तो ये है अपवर्तन कोण। तो एंगल आई जो है ये तो है आपतन कोण, और एंगल आर जो है वो है अपवर्तन कोण, ठीक है। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अगर तुम हवा में दौड़ रहे हो और आगे पानी आ जाए, गहरा पानी, तो तुम्हारी डायरेक्शन पे थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, तुम्हारी स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा, तुम इतनी तेजी से पानी में नहीं दौड़ पाओगे जितनी तेजी से तुम हवा में दौड़ सकते हो। तो वही काम प्रकाश की किरण के साथ भी होता है, जब ये वायु से जल में प्रवेश करेगी तो इसकी चाल पे भी फर्क पड़ेगा, मतलब इसकी चाल कम हो जाएगी। क्यों क्यों कम हो जाएगी? देखो ये वायु तो हल्की है, मतलब इतनी ज़्यादा सघन नहीं है, गाड़ी नहीं है,
लेकिन पानी जो है ये क्या है, ये ज़्यादा सघन है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इससे वायु से। तो वायु क्या है, ये तो विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम। और पानी क्या होगा, सघन माध्यम। ठीक, जैसे अगर हम बात करें जल में और शहद में, शहद की बात करें तो कौन सा ज्यादा गाढ़ा है, शहद ज्यादा गाढ़ा है। तो यहाँ जल हो गया विरल माध्यम और शहद हो गया सघन माध्यम। कोई भी दो माध्यम, जैसे अगर हम बात करें वायु की और कांच की, तो वायु हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो प्रकाश, अब मैं ये बता रहा हूं कि जो ये किरण है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की तरफ उड़ेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, वो किस बात पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है माध्यम पे। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो हमेशा अभिलंब की तरफ झुकती है। अगर प्रकाश की किरण इसका उल्टा है, मान लो ऊपर जल है और नीचे वायु है, अगर ये प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो अब ये इसको जाना था सीधा, थोड़ा चेंज करो, ये ऐसे जाएगी, इसको जाना था ऐसे, मतलब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की कोई किरण, यहाँ जल है अब और यहाँ वायु है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है, और अगर प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, कितना सब समझ में आया। अब जिस तरह से परावर्तन के दो नियम हैं, ऐसे ही अपवर्तन के भी दो नियम हैं। कौन कौन से अपवर्तन के नियम? पहला नियम जो उसमें भी था, परावर्तन के नियम में भी था, नियम में भी था, क्या आपतित किरण उसमें परावर्तित किरण था, इसमें अपवर्तित किरण होगा, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं, जो पिछले परावर्तन में मैंने समझाया। दूसरा क्या है इसका, दूसरा वो समझने लायक। अब देखो, यहां वायु यहां जल, प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब बनाया, ये जल है नीचे तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ध्यान देना। तो दूसरे नियम में ये क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन बटे सिंगल साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब साइन ऑफ एंगल आई, एंगल आई का साइन निकालने और एंगल आर का साइन, इन दोनों का रेशो जो अनुपात है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, वैसे समझाने के लिए बता देता हूँ, जैसे मान लो एंगल आई के साइन का मान आ जाए 4 आ जाए और इसका आ जाए 8, तो दोनों का कितना, 4 × 8 = 2। अब ये एंगल चेंज हो जाए, ये एंगल बदल गया, ये कितना हो गया, मान लो इसका आ गया भाई 16, तो इसके कंपैरिजन में जो नीचे वाले का मान आएगा इसका आएगा 32, तो 16 × 32, मतलब आंसर हमेशा 1/2 ही रहेगा, मतलब साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस एंगल के साथ ये एंगल भी बदलेगा और इन दोनों की जो वैल्यू रहेगी साइन आई की और साइन आर का जो रेशो रहेगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा, और इस कॉन्स्टेंट
को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, 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 ठीक है। यह अपवर्तनांक क्या है, परिभाषा क्या है, या इसका जनरल मीनिंग, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।